लीग के नायब सदर मरियम नवाज और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ट्विटर पर आमने सामने आ गए। मरियम नवाज ने ब्रॉडशीट केस के फैसले पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए 2,87,00,000 अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए अकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। मरियम नवाज ने कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और अमानतदारी की गवाही कुदरत दे रही है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने लंदन की अदालत में शिकस्त को भी नून लीग की हुकूमत के खाते में डाल दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुसालहती अदालत की कार्रवाई आप ही के दौर में हुई, इस बात की भी तहकीक हो रही है कि हुकूमती वकला ने मुकदमा कैसे लड़ा।